पीटीआई अध्यापकों का धरना आज 64वें दिन भी जारी रहा। पिछले 64 दिनों से पीटीआई अध्यापक फतेहाबाद की लघु सचिवालय के सामने धरने पर बैठे हुए हैं। प्रतिदिन 5 अध्यापक धरने स्थल पर भूख हड़ताल पर बैठते हैं। वहीं सभी पीटीआई अध्यापकों की मांग है कि पुनः सभी अध्यापकों की जल्द से जल्द बहाली की जाए। वहीं शिक्षकों का कहना है कि आगामी 23 तारीख को सरकार द्वारा एक टेस्ट रखा गया है, उसका हम बहिष्कार करते हैं क्योंकि ये सब प्रक्रिया हम 2010 में पूरी कर चुके हैं। दोबारा टेस्ट करवाने का कोई औचित्य नहीं बनता। आज हमारा 64वां दिन है धरने पे बैठे हुए लगातार 64 दिन में महाराज जी करने कंचन सुबह से 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक हम जहाँ भूख हड़ताल पे बैठते हैं और हमारी एक ही मांग है सरकार से कि हमारी पुनः बहाली की जाए। 1983 परिवार जो 1983 हमारी पीटीआई हैं जिनको सरकार ने कोर्ट के द्वारा हवाला देते हुए, क्योंकि कोर्ट में भी सरकार ने झूठा एफिडेविट दिया, उसी के तहत हम केस आ रहे हैं और हम 1983 पीटीआई इसमें प्रभावित हैं और हमारी एक ही मांग है कि हमारी पुनः बहाली की जाए उसी पोस्ट पे, सेम दिन से सेम जो हमें निकाला गया उसी से। जिले की कितनी जो फैमिलियां प्रभावित हो रही हैं? यहाँ हम 54 हैं, 54 हैं इस फतेहाबाद ज़िले में, जिसमें हमारी 17 लेडीज टीचर हैं और बाकी जेंट्स टीचर हैं, जिसमें 10 कैंडिडेट हमारे अदर स्टेट अदर जिलों के हैं जो वहीं अनशन पर शामिल हो रहे हैं और 44 कैंडिडेट हम जहाँ लगातार धरने पर बैठे हैं। आगे जो सरकार ने 23 तारीख का टेस्ट रखा है हम उसका बहिष्कार किया है, बिल्कुल हम वो टेस्ट नहीं देंगे क्योंकि हम 10 साल पहले पूरी प्रक्रिया करके टेस्ट देके लगे थे। दोबारा टेस्ट देने का हमारा कोई औचित्य नहीं है। सरकार से भी हम ये कहते हैं कि सरकार द्वारा जहां कोई MLA MP चुनाव जीत के आता है, यदि वो दोबारा जीत के दिखा दे अपनी सीट छोड़ कर तो हम भी दे देंगे। ये होता नहीं कभी, पीछे की प्रक्रिया में 15 साल पुरानी जाया जा सकता है, ये नामुमकिन है। सरकार को भी सदबुद्धि लेनी चाहिए। और प्रतिदिन आप कितने लोग भूख हड़ताल पर बैठते हैं? हम 5 बैठते हैं प्रतिदिन इस भूख हड़ताल पर।